नमस्ते इंडिया, शारदा चंद्र की पाकशाला में आपका स्वागत है। गर्मियों का समय है और छाछ सब भी लोग पीते हैं, और शिकंजी हो, सोडा हो, दही हो, रायता हो, फ्रूट्स हो, हमें उनके लिए मसाला जरूर चाहिए होता है। तो एक ही मसाला हम बनाएंगे, वो सब में यूज होगा और बहुत ही स्वादिष्ट होगा और बहुत ही हाजमा करेगा। तो देखिए, हमने लिया है सूखा करी पत्ता 2 बड़े चम्मच, मेथी दाना 1/2 चम्मच, धनिया सूखा 1 चम्मच बड़ा, और चाट मसाला 2 चम्मच, नमक सेंधा और काला नमक लिया है, आप दूसरा नमक भी ले सकते हैं, 1 चम्मच काला नमक, 2 चम्मच व्हाइट नमक, 1 चम्मच काली मिर्च, ये 4 चम्मच जीरा लिया हमने, और 1/2 चम्मच हींग, 2 चम्मच सूखा पुदीना, 1 चम्मच सौंठ पाउडर, 1 चम्मच सौंफ पाउडर, 1/2 चम्मच हमने लिया है सरसों दाना, और 1 चम्मच अजवाइन। एक कढ़ाई, तवा, पैन, कुछ भी आप गरम करें, और उसमें हम भूनने वाली चीजें पहले भून लेते हैं। ये 4 चम्मच हम जीरा डाल के भून लेंगे। गरम करने के बाद पैन को सिम पे रखिए, गैस को, ज्यादा ना जले। इसके साथ ही हम डाल देंगे अजवाइन। जब ये थोड़ा भुन जाएगी तो इसमें डालेंगे मेथी दाना, सरसों दाना, सौंफ और धनिया। थोड़ा सा ये करी पत्ता सूखा जो हमने लिया है उसको भी थोड़ा साथ में ही भून लेंगे। इसमें हम काली मिर्चें डाल देंगे। काली मिर्च को ज्यादा भूनने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें इसमें मिक्स करनी है तो डाल दी मैंने। मसाला हमारा रेडी है। के लिए मसाला हमारा ठंडा हो चुका है, अब इसे हम मिक्सी के जार में डालकर पीस लेते हैं। ये देखिए, मसाला हमारा भून चुका है, और भूनने के बाद हमने इसमें मिक्सी में डाल के पीस लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे सौंठ और पुदीना, चाट मसाला, हींग और दोनों नमक। अब इसको फिर से पीस लेंगे, और देखिए हमारा मसाला पीस चुका है और बहुत ही टेस्टी बना है। अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी ज़्यादा रखनी हो तो आप इस सभी सामान का डबल कर लें। तो ये मसाला सभी चीज़ों में आप डाल सकते हो, सैलड पे भी डाल सकते हो, छाछ में, दही में, फ्रूट्स में और शिकंजी में, सब में डाल सकते हो। तो इसे अब हम डब्बे में भर के रख ले। भर गया है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। और अभी हम ये मसाला 1/4 चम्मच डालेंगे और इसमें छाछ डाल देंगे। अब इसमें आपको कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं है, और ये छाछ आपकी रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।